राजनीतिक दल अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में रांची की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय आदिवासी संगठनों के पास पहुंची और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान कई आदिवासी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि धुमकुड़िया भवन में आदिवासी संगठनों ने समर्थन देने की बात कही है। सारे संगठन जो आए हैं, जो आदिवासी समाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने मुझ पर ऐसे भरोसा दिखाया, मुझे आप कह सकते हैं समर्थन दिया एक तरीके का। तो हम जानते हैं कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, कि हम हमारी जीत के बाद भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आवाज़ें को दबा कर, कुचला कर, रोकने की कोशिश हो रही है, उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएं। गठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी को अपना समर्थन का घोषणा किया है, ये एक बड़ी बात हुई है। और झारखंड में आदिवासी समाज एक लंबे समय तक आंदोलित है, पहले CNT SPT है। मेरा जहाँ तक सवाल है कि 4-5 दशक का है, और मैं नेता की हैसियत से रांची में, झारखंड में राजनीति नहीं किया हूँ। सुबह है मेरा, हम इस चुनाव की तैयारी साल भर से ज़्यादा से कर रहे थे, वैसे 5-6 साल करते हैं लेकिन साल भर से। देखिए, हम लोग आज आदिवासियों के कम से कम 90% आदिवासी संगठन ने इनको समर्थन दिया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से यशस्विनी सहाय को हम लोगों ने दिया है। व्यक्तिगत फैसले नहीं लेना और वन अधिकार कानून को भी हटाना, ये सभी मुद्दे को लेकर के हम आदिवासी त्रस्त थे। सारे संगठन जो आए हैं, जो आदिवासी समाज को भी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।